राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है क्या, तो हम ये कहेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एच डी एट एक्स इज इक्वल टू के एफ एक्स इज इक्वल टू, ये होता है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। मैंने आईडी पासवर्ड शेयर नहीं करा अभी, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, ये तो होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और दूसरा होता है राइट हैंड डेरिवेटिव। तो आर एच डी एट एक्स इज इक्वल टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए, सॉरी मैंने ना ये गलत कर दिया, यहाँ पर ए माइनस एच आ रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में लिखिए ए माइनस एच, राइट हैंड डेरिवेटिव में लिखिए एफ ए प्लस एच, यहाँ माइनस माइनस ही रहेगा, डिनोमिनेटर में माइनस एच एल एच डी में माइनस एच रहेगा, आर एच डी में प्लस एच रहेगा, ये ठीक है ना, इसको ठीक कर दीजिए। हाँ जी ऑनलाइन वालों को आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, देखिए अभी बस ये स्टार्ट, हाँ मैं वही बता रहा हूँ, मैं आई डी पासवर्ड भेजना भूल गया था। देखिए हमने डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करा है, डिफरेंशियबिलिटी में ये है कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशियबल होगा तभी उसको डिफरेंशिएट करा जा सकेगा, नहीं तो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे उसको। तो डिफरेंशिएबल कोई भी फंक्शन है या नहीं उसको चेक करने का एक ही तरीका है कि उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एच डी एट एक्स इज इक्वल टू ए, ए कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, और आर एच डी एट एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ये भी अगेन वही चीज़ है कि ए कोई भी कांस्टेंट है, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों के दोनों इक्वल होने चाहिए, दोनों का इक्वल होना ज़रूरी है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, और राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन प्लस एच, बस ये सीधा सीधा है। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन देखिएगा। चलिए तो डिफरेंशियबिलिटी का होगा, डिफरेंशियबिलिटी के ना एक्चुअली दो ही क्वेश्चन दे रखे हैं पूरी इसमें, एनसीईआरटी का दो ही है, और पिछले जो 10 साल का एक हमारे पास एक बुक आती है चैप्टर वाइज, मैंने शायद पहले भी बताया था, तो उसमें भी आप देखेंगे तो तीन चार ही क्वेश्चन आए थे। आप एक काम करिए, अब लिखिए लाया आपको डिफरेंशिएशन फॉर्मूले, डिफरेंशिएशन फॉर्मूले, इसके फॉर्मूले देखिए, पहला है डी बाई डी एक्स ऑफ के इज इक्वल टू जीरो, दूसरा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन, तीसरा
d by dx of x की पावर n is equal to n x की पावर n minus 1 चौथा d by dx of sin x is equal to cos x पांचवा d by dx of cos x is equal to minus sin x छठा d by dx of tan x is equal to sec square x सातवा d by dx of sec x is equal to sec x tan x आठवा फॉर्मूला d by dx of cos x equal to minus cos x cot x nova formula d by dx of cot x is equal to minus cos x square x dasva formula d by dx of log x is equal to 1 upon x jarva formula d by dx of e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर x ये e क्या होता है एंटी लॉग होता है मैं बता दूंगा इसको डिटेल में लॉग और एंटी लॉग जब हम करेंगे ना एक्चुअली इनका डिफरेंशिएशन ही सिलेबस में है बाकी लॉग और एंटी लॉग सिलेबस में है नहीं ठीक है फिर जब जब इनकी जरूरत पड़ेगी तब तब बता दूंगा e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x ही होता है जैसे ये लॉग का उल्टा होता है 12th d by dx of a की पावर x a यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट है इसका हो जाएगा a की पावर x log a 13 d by dx of sin inverse x is equal to 1 upon under root 1 minus x square 14th formula d by dx of cos inverse x ये हो जाएगा minus 1 upon under root 1 minus x square 15th formula d by dx of tan inverse x is equal to 1 upon x square plus 1 16th formula d by dx of cot inverse x is equal to minus 1 upon x square plus 1 17th d by dx of sec inverse x is equal to 1 upon x into under root x square minus 1 18th formula d by dx of cosec inverse x is equal to minus 1 upon x into under root x square minus 1 ठीक है ये तो फॉर्मूले हो गए ये सारे के सारे आंसर्स आपको रट्टा लगाना है इन फॉर्मूले अब सीधे सीधे देखिए जब भी कभी मेरे पास कोई भी किसी भी फंक्शन का डिफरेंशियल करना है तो हम ज़्यादातर केसेस में ये देखेंगे 99% केसेस में देखेंगे जो हमको फंक्शन दे रखा होगा ना उसमें वेरिएबल होगा x वेरिएबल क्या होगा x होगा जैसे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री तो ये क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इसमें वेरिएबल के नाम पर क्या है x तो इसलिए उसका डिफरेंशियल मेरे को करना है जैसे 30 डिग्री एंगल है उसका साइन निकालना है मतलब उसका साइन निकालना है मेरे को तो मैं लिखता हूँ साइन 30 डिग्री लिखने का तरीका है कॉस कोसाइन निकालना है तो मैं लिखता हूँ कॉस 30 डिग्री ऐसे ही कोई फंक्शन है उसका डिफरेंशियल निकालना है तो उसको मैं लिखूंगा डी बाई डी एक्स तो डी बाई डी एक्स सिर्फ लिखने का तरीका है डी बाई डी एक्स का मतलब है कि हम उसका डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं डेरिवेटिव निकाल रहे हैं अब हो सकता है कि मेरे पास एक फंक्शन ऐसा दे रखा हो वाई स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस थ्री तो उसमें वेरिएबल क्या है वाई है ना वेरिएबल वाई हो गया तो वहाँ पर d by dx ना लिख कर क्या लिखेंगे d by dy तो d by dy लिख देंगे अब सुनिएगा डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है डिफरेंशियल का मतलब होता है कि हमारे पास कोई भी बड़ी चीज़ दे रखी है फॉर एग्जांपल हम एक दीवार की बात करते हैं उस दीवार का कोई कहे कि भाई इसका डेरिवेटिव बता दो क्या है तो हम ये कहेंगे कहीं पर एक जगह ईंट पड़ी हुई है मैं कहूँगा ये इसका डेरिवेटिव है कहीं पर एक जगह सीमेंट पड़ा हुआ है तो मैं कहूँगा ये इसका डेरिवेटिव है कहीं पर रेत पड़ा हुआ है मैं कहूँगा डेरिवेटिव है तो डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि वो छोटी सी चीज़ जिससे मिलकर एक बड़ी चीज़ बनती है तो किसी भी बड़ी चीज़ को अगर तोड़ तोड़ कर बिल्कुल छोटा कर दिया जाए तो हम ये बोलते हैं कि ये उसका डेरिवेटिव है
एक कागज को लिया, कागज के दो टुकड़े कर दिए, तो वो जो दो पीसेस हैं, अब ये कहेंगे कि बड़ी बड़ी शीट ऑफ पेपर का एक डेरिवेटिव, छोटा डेरिवेटिव। तो हम किसी भी फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि उसका जब डेरिवेटिव निकालते हैं, तो उसके कुछ फॉर्मूले हैं, बस ये फॉर्मूले एज इट इज आपको याद रखना। आपने एक मेथड करा था, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, जो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में 11th क्लास में करा था। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से ही ये सारे फॉर्मूले जो है डिराइव हुए हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड अब नहीं है आपके सिलेबस में, 11th में था, ठीक है, तो वो आपसे पूछा नहीं जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूले एज इट इज याद रखना है। कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल निकालेंगे तो रिजल्ट आएगा 0, जब x का डिफरेंशियल निकालेंगे तो रिजल्ट आएगा 1। ये वैसे भी दिखाई दे रहा है, dx upon dx कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा। dy dx of x की पावर 1 क्या हो जाएगा, n x की पावर n माइनस 1। dy dx of sin x क्या हो जाएगा, cos x। dy dx of cos x क्या हो जाएगा, माइनस sin x। tan x हो जाएगा sec square x, sec x का डिफरेंशियल sec x tan x, cos x का माइनस cos x cot x, cot x का माइनस cos x square x, log x का 1 upon x। e की पावर x क्या होता है, जैसे साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है, साइन इनवर्स, ऐसे ही लॉग, और लॉग का उल्टा कहलाता है एंटी लॉग। तो अगर मान लीजिए मैं किसी का लॉग निकाल रहा हूँ, मान लीजिए मेरे को बोला कि 10 का लॉग निकालना है, तो उसको मैं क्या लिखूँगा, लॉग 10, उसको लिखूँगा लॉग 10। कभी ज़रूरत पड़ी अगर लॉग की तो मैं बता दूंगा, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लॉग 10 की वैल्यू तो मालूम है ना आपको क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो अगर कभी भी मेरे को लॉग निकालना है, लॉगरिथम निकालना है 10 का, तो मैं उसको लिखूंगा लॉग 10। कोई बोले कि नहीं 10 का एंटी लॉग निकालो, तो एंटी लॉग निकालने का क्या तरीका है, e की पावर 10, ठीक है ना। उसको ऐसे नहीं लिखते कि एंटी लॉग ऑफ 10, उसको लिखेंगे e की पावर में 10। तो आपने e की पावर में 10 लिख दिया तो वो एंटी लॉग है, तो e की पावर में x लिख दिया यानी कि एंटी लॉग ऑफ x। तो एंटी लॉग ऑफ x का डिफरेंशियल भी एंटी लॉग ऑफ x ही होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं। उसके बाद देखिए, ये जो लॉग और एंटी लॉग वाला है ना, इसका पूरा एक चैप्टर 12th क्लास में ICSE बोर्ड में है, यहाँ नहीं है। CBSE वाले बच्चों को करने की जरूरत भी नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसकी वेटेज बिल्कुल नहीं है, लॉग की कोई वेटेज नहीं है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का डिफरेंशियल होता है ए की पावर एक्स लॉग ए। साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स साथ साथ याद करना, 1/√1 − x², 1/√1 − x², और ये क्या हो गया, −1/√1 − x². tan इनवर्स x का 1/x² + 1, cot इनवर्स x का −1/x² + 1, sec इनवर्स x का 1/x√x² − 1, और cosec इनवर्स x का −1/x√x² − 1। मतलब एक में प्लस, एक में माइनस, एक में प्लस, एक में माइनस, ठीक है। अच्छा, ये भी रेयरली यूज होते हैं, ये वाले जो है ये भी रेयरली यूज होते हैं, लिखवा दिए मैंने, क्योंकि एक साथ सारे फॉर्मूलों का लिखा होना जरूरी है। अब ये तो हो गए फॉर्मूले, फॉर्मूलों के अलावा तीन रूल्स होते हैं इसके। पहला रूल लिखेंगे प्रोडक्ट रूल। अच्छा, साइंस वाले बच्चे ये ना फिजिक्स में 11th क्लास में जहाँ तक कर चुके होंगे, ठीक, अगर नहीं करा है तो रिवीजन अब हो जाएगा। तो लिखिएगा, देर आर थ्री रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, देर आर थ्री रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो पहला रूल है प्रोडक्ट रूल, हाँ जी। प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या है, अगर दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, प्रोडक्ट हो रहा हो उनका, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो उसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पर, d by dx of fx पहला फंक्शन मल्टीप्लाइड बाई gx दूसरा फंक्शन, d by dx of fx into gx, इसको कैसे लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एफ एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है, ये हो गया पहली चीज तो ये। उसके बाद दूसरा है क्वेश्चन रूल, क्वेश्चन देखिए, कई बच्चे क्या है प्रोडक्ट रूल लगाना
पसंद नहीं करते, वो कहते हैं कि नहीं पहले तो मैं दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरे पास एक्सपेंडेड फंक्शन आ जाएगा मैं उसको सीधा डिफरेंशिएट कर दूंगा। ठीक है, वो चीज़ हर जगह एप्लीकेबल नहीं होती, हर जगह एप्लीकेबल नहीं होती, तो इसलिए ये करना ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आपको उनके प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए बोला जाए, तो आप क्या करें, पहले फंक्शन को एज इट इज ऐसे ही रखो, इनटू डी बाय डीएक्स ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डी बाय डीएक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये तरीका याद रखना प्रोडक्ट रूल है। उसके बाद क्वेश्चन रूल, क्वेश्चन रूल जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है कि जहाँ पर दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हो और फिर उसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए बोला जाए, उसको कैसे करेंगे। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स। अब क्या है कि दो फंक्शन जो है वो डिवाइड हो रहे हैं, इसका क्या रूल होता है वो देखिएगा। सबसे पहले डिनोमिनेटर का करना है होल स्क्वायर, जी एक्स का कर दीजिए होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में आपने क्या करा, जी एक्स का डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का ही होल स्क्वायर कर दिया। फिर डिनोमिनेटर एज इट इज मतलब जी एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स पहला। उसके बाद क्या करेंगे, न्यूमरेटर एज इट इज एफ एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। ठीक है, यहाँ तो देखिए एडिशन हो रहा है, जो प्रोडक्ट रूल है प्रोडक्ट रूल में एडिशन हो रहा है, तो एफ एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स कर सकते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ सब्ट्रैक्शन है, यहाँ गड़बड़ मत कर देना, पहले नीचे वाले को ही प्रेफरेंस देनी है कि नीचे वाले का ही होल स्क्वायर करना है और नीचे वाले को ही एज इट इज छोड़ना है। ठीक है, तो जी एक्स स्क्वायर पहले यहाँ पर लिखा जाएगा, जी एक्स यहाँ सबसे पहले लिखा जाएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, ये करेंगे, ये क्वेश्चन रूल हो गया, समझ गए। ठीक है, उसके बाद थर्ड देखेंगे चेन रूल, चेन रूल। चेन रूल में क्या है, इफ अ फंक्शन इफ अ फंक्शन इज अ वेरिएबल ऑफ अनदर फंक्शन, अनदर फंक्शन देन चेन रूल इज अप्लाइड। चेन रूल इज अप्लाइड, इट सजेस्ट दैट मल्टीप्लाई ऑल द डेरिवेटिव्स ऑफ ऑल गिवन फंक्शंस। ठीक है, वो समझ में आ गया होगा, प्रोडक्ट रूल क्वेश्चन रूल ये शायद नहीं आया होगा समझ में, एग्जाम्पल से पहले ही लिखेंगे। देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ फंक्शंस, देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ये फॉर्मूले नोट कर लिए बता दो। There are five types of functions. अब वो five types of functions को कैसे याद रखते हैं? मैं late हूँ, ऐसे करके I late, मैं late हूँ, I late, ऐसे लिख लीजिए I late. I is for inverse trigonometric function. L is for
logarithmic function is for algebraic function is for trigonometric function is for exponential function. तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा फंक्शन दूसरे फंक्शन के वेरिएबल की तरह एक्ट कर रहा है. जैसे अब एग्जांपल पर आ जाइए, चलो दोबारा पढ़कर सुना रहा हूँ. देखिए, इफ अ फंक्शन इज अ वेरिएबल ऑफ अनदर फंक्शन देन चेन रूल इज अप्लाइड एंड इट सजेस्ट दैट मल्टीप्लाई ऑल द डेरिवेटिव्स ऑफ ऑल गिवन फंक्शन. जितने भी फंक्शन आपको नजर आ रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच जितने भी हैं, सबको एक के बाद एक डेरिवेट करते जाओ और सबको मल्टीप्लाई कर दो आपस में. चेन रूल यही कहता है. अब देखिए, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के वेरिएबल की तरह कैसे एक्ट कर सकता है वो देखते हैं. हम ये कहेंगे कि जो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है भाई इधर लिखा हुआ है सारे फंक्शंस? यस सर. ठीक है, चलिए अब सुनिए. जैसे ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ये कैसे होंगे? ये ऐसे होंगे जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स. ये तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की कैटेगरी में आ गया. लॉगरिथमिक फंक्शन ये क्या हो गया? लॉग एक्स. एल्जेब्रिक फंक्शन ऐसे हो गए जैसे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, है ना, ये क्वाड्रेटिक बन जाए, क्यूबिकल बन जाए, है ना, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए वो. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे कि साइन एक्स, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे कि ई की पावर एक्स या एक्स की पावर सिर्फ इतना ही दे रखा हो, एक्स की पावर टू दे रखा हो, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कैटेगरी में आ गया. इसको कभी कभी पावर फंक्शन भी बोल देते हैं, है ना, कि पावर में कुछ दे रखा है. यहाँ e की पावर में x लिखा हुआ है या x की पावर में 2 लिखा हुआ है? कुछ भी पावर में तो दे रखा है, एक्सपोनेंट में तो दे रखा है, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कैटेगरी में आ गया. अब एग्जांपल देखते हैं. अगर मान लीजिए मुझे fx दे रखा है, fx दे रखा है या y बोलिए चलिए, अगर मान लीजिए हमको y दे रखा है sin x, sin x, आपसे कोई बोले कि नहीं भाई dy by dx निकालो, मतलब d by dx of y, इसका मतलब क्या है? d by dx of sin x. तो आप कहोगे सीधा सीधा फॉर्मूला आपके यार, आप कहोगे cos x है, तो आप कह देंगे cos x है. तो अच्छा, अब कोई बोले कि नहीं d by dx of sin log x निकालो, तो log x जो है ना, log x अपने आप में एक फंक्शन है और ये साइन के वेरिएबल की तरह बिहेव कर रहा है. साइन के आगे क्या लिखा हुआ था यहाँ पर? x. तो इसमें वेरिएबल क्या था? x था ना. ठीक है, अब साइन के आगे log x लिखा हुआ है तो ये साइन फंक्शन यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एक वेरिएबल की तरह बिहेव कर रहा है. कौन? लॉगरिथमिक फंक्शन. तो दो फंक्शन नजर आ रहे हैं मेरे को, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक और एक लॉगरिथमिक. लॉगरिथमिक पर पहुंचने से पहले मुझे ट्रिग्नोमेट्री से मुकाबला करना पड़ेगा, तो पहले ट्रिग्नोमेट्री दिखाई देगा. ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ये कहता है कि जब साइन है ना, तो साइन के आगे एक्स अगर लिखा हुआ है तो उसको कॉस बना दो, कॉस एक्स कर दो. साइन के आगे लॉग एक्स लिखा हुआ है तो आप इसको क्या कर दोगे? कॉस लॉग एक्स. डॉट लगा दो. ये आपने क्या करा? ये आपने साइन को डिफरेंशिएट कर दिया. अब अंदर दूसरा फंक्शन लिखा हुआ है लॉग एक्स, लॉग एक्स लिखा हुआ है, तो अब आप कहेंगे कि आप लॉग एक्स को डिफरेंशिएट कर दो. लॉग एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है? अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाय अपॉन एक्स. अब कुछ और देखते हैं. अब हमारे पास आ गया, अब हमको वाई दे रखा है साइन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, ये दे रखा है साइन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, ये दे रखा है. तो अब कितने फंक्शन है जरा बताओगे? तीन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और एल्जेब्रिक फंक्शन. तीन फंक्शन है, फंक्शन के अंदर के फंक्शन, फंक्शन का फंक्शन का फंक्शन, ये बना हुआ है. सबसे पहले किससे मुलाकात हो रही है? साइन से. ठीक है, तो हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक से, तो साइन का क्या हो जाता है? कॉस. तो ये क्या बनेगा? डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या बन जाएगा? कॉस. कॉस आगे वाली चीज ऐसी, साइन के आगे अमिताभ बच्चन भी लिखा हुआ हो तो क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ अमिताभ बच्चन. बस ये कर देंगे, तो साइन ऑफ ये कॉस ऑफ ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स. ये हो गया पहली चीज, तो ये क्या हो गया? साइन का हो गया डिफरेंशियल. उसके बाद लॉग,
लॉग के आगे कुछ भी लिखा हुआ हो लॉग क्या करेगा, अगर लॉग एक्स है तो क्या कर देता है वन अपॉन एक्स, लॉग के आगे कुछ भी लिखा हुआ उसको पटक कर डिनोमिनेटर में ले आता है तो क्या बन जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, ठीक है। अब उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स पर आते हैं। अब एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स तो एक्स स्क्वायर किस तरीके से है, जैसे एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन क्या था एन, एक्स की पावर एन माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा टू एक्स की पावर टू माइनस वन, तो सीधा याद रखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल टू एक्स। ये दिखाई नहीं देगा और मैं इन वालों को नीचे लिख रहा हूँ, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है सब कुछ, टू एक्स और टू एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है कि जब भी कभी कोई कॉन्स्टेंट टर्म किसी वेरिएबल वाली टर्म में मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो कॉन्स्टेंट तो रहता है एज इट इज, और जो वेरिएबल वाला टर्म है उसका डिफरेंशियल हो जाता है, तो ये टू रह गया बस, टू इंटू वन टू तो एज इट इज रहा और एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है वन होता है, तो टू इंटू वन। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि कब मेरे को फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप ये कहें कि पहले मेरे को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा है ना कि चेन रूल लगाऊं या ना लगाऊं, मैं आपको ये बोलता हूँ कि चेन रूल सब जगह लगेगा, ठीक है, यहाँ भी लगेगा यहाँ भी लगेगा। आप ये कहेंगे ये एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री ये अल्जेब्रिक है ना, ये अल्जेब्रिक क्यों है क्योंकि एक्स की पावर टू दिखाई दे रहा है, बाई क्वाड्रेटिक लीनियर होता तो मतलब सिर्फ एक्स होता तो भी तो अल्जेब्रिक होता। तो मैंने ये कहा कि यहाँ पर भी पहला फंक्शन क्या दिखाई दे रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक, तो साइन का क्या हो गया कॉस हो गया, और फिर जो एक्स है एक्स का क्या हो जाएगा वन, एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो एक्स का क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, एक्स का डिफरेंशियल वन होता है ना, तो इस वजह से चेन रूल सब जगह लगता है, चेन रूल सब जगह लगता है। आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि मुझे फंक्शन कितने दे रखे, फंक्शन का फंक्शन जहाँ दे रखा हो सबको मल्टीप्लाई सबको डिफरेंशिएट करो और मल्टीप्लाई करते चलो, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। चलिए जी अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 21 पर आ जाइए, पेज नंबर 164 एग्जाम्पल 21 मैं पुराने बुक का करवा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिएगा ये बता दूँ सब
गया होगा। देखिए ये हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, तो जैसे ना डी बाई डी एक्स लिखते हैं तो जब भी कभी किसी का डेरिवेटिव होता है तो उसको ना एफ डैश एक्स भी लिखा जा सकता है। एफ डैश एक्स कैसे, एफ इसके ऊपर डैश लगा दो, एफ डैश एक्स, ये भी डिफरेंशियल की ही पहचान है एफ डैश एक्स। मुझे दो तरीके के फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, एक तो साइन है तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस, तो कॉस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, लिख कर दिखाना होता है इसलिए लिख कर दिखा रहे, नहीं तो सीधा भी टू एक्स भी लिख सकते थे। तो कॉस एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल टू एक्स, टू एक्स को फ्रंट में लिख दो, टू एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ये हो गया एफ डैश एक्स, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 22, find the derivative of tan 2x plus 3. Find the derivative of tan 2x plus 3. Iska solution dekhiyega. Ye hamare paas y की वैल्यू आ गई tan 2x plus 3, ठीक है y मान दीजिए इसको, तो dy by dx is equal to, ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले tan को डिफरेंशिएट करेंगे तो tan का तो सीधा लिख दो sec square 2x plus 3 into dy dx of 2x plus 3, ठीक है। अब ये हो गया sec स्क्वायर 2x plus 3, और जब dy dx इसका करेंगे तो आप ये देखिए, मैंने आपको एक चीज़ बताई कि अगर कांस्टेंट टर्म है और उसके साथ कोई वेरिएबल वाला टर्म आ रहा है तो आप कांस्टेंट को लिखेंगे एज इट इज, एक्चुअली इसमें भी ना प्रोडक्ट रूल लग रहा है, इसमें प्रोडक्ट रूल लग रहा है वो मैं बताता हूँ आपको एक मिनट में, फिलहाल तो सीधा सीधा याद रखिए कि 2 एज इट इज और x का डिफरेंशियल 1 है और फिर ये कॉन्स्टेंट है जो कि अकेला लिखा हुआ है, जब कॉन्स्टेंट अकेला लिखा हुआ होगा कोई वेरिएबल नहीं होगा तो उसका डिफरेंशियल हो जाएगा सीधा सीधा जीरो, ठीक है, तो ये हो गया जीरो। तो टू इंटू वन इज टू, टू प्लस जीरो इज टू, तो टू इंटू टू सेक स्क्वायर टू एक्स प्लस थ्री, टू सेक स्क्वायर टू एक्स प्लस थ्री, बताइए समझ गए, ठीक है। और ये मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स आ गया है, ठीक है। अब मैं आपको ये कह रहा था कि इसको ना प्रोडक्ट रूल लग रहा है एक्चुअली, तो यहाँ पर ठीक है मेरे पास ना दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है, टू इज़ अ कॉन्स्टेंट फंक्शन, कॉन्स्टेंट टर्म को हम कॉन्स्टेंट फंक्शन भी बोलते हैं, तो टू इज़ अ कॉन्स्टेंट फंक्शन, एक्स इज़ अ एल्जेब्रिक फंक्शन, तो पहले हमने क्या करा, दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मतलब टू एज इट इज मल्टीप्लाई बाई डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन क्या है एक्स, एक्स का डिफरेंशियल क्या हो गया वन, तो टू इंटू वन हो गया। अच्छा फिर प्लस प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज मतलब एक्स एज इट इज और मल्टीप्लाई बाई डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन क्या है कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है, तो इसलिए वो जीरो ही हो जाना है। तो इसलिए आपको क्या करना है यहाँ पर, बस ये याद रखना अगर कोई कॉन्स्टेंट किसी वेरिएबल वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो कॉन्स्टेंट को एज इट इज रखो और वेरिएबल का डिफरेंशियल रखो, बस इतना ही करना है, बताइए क्लियर, ठीक है। हाँ जी ऑनलाइन वाले बोलो समझ रहे हैं यहाँ तक, ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ूंगा फिर मैं एग्जाम्पल नंबर, ये तो ऐसे ही दिए थे, चलिए ठीक है दोबारा करते हैं। डिफरेंशिएट एग्जाम्पल 23, सर नहीं बुक में बस एक एग्जाम्पल था फाइनल, नहीं नहीं कोई नहीं करो इसमें तो खूब सारा करिए, डिफरेंशिएशन वाला जो है इसमें काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, एक्सरसाइज के बाद वाले हैं नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, ये एक्सरसाइज से पहले वाले हैं,
ठीक है, वो नई बुक में एक ही था। कोई नहीं तुम कर लो जो मैं बता रहा हूँ सारे कर लो। एक्चुअली मैं इनके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस आपको भेजने वाला हूँ, क्योंकि इसमें ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो अगर आपने कर रखे हैं तभी पेपर में उनको कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये बस आप समझ लीजिए बैकबोन है, ट्वेल्थ क्लास के मैथ्स की बैकबोन यही है। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जिसका स्ट्रॉन्ग है तो वो सब करके ले जाएगा। आप ये समझिए कितने नंबर का पेपर है आपका, 80 मार्क्स का पेपर है और 80 में से 45 नंबर का यही है कैलकुलस पोर्शन। तो इसमें क्या आएगा, एक तो ये कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाला चैप्टर है, इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वाला चैप्टर है, फिर इंटीग्रेशन वाला चैप्टर और फिर उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये चार चैप्टर टुगेदर कैलकुलस बनाते हैं और ये जो चार चैप्टर है 45 मार्क्स के, जो आप समझ लो 50% से भी ज़्यादा का ये है इसका वेटेज है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है ये। एग्जाम्पल नंबर 23, तो इसमें सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन से काम नहीं चलने वाला। रिलेशन फंक्शन में मैं बोलूँगा एनसीईआरटी एनसीईआरटी कर लो बस, उसके अलावा वाले क्वेश्चन हम पिछले 10 साल के भी देखेंगे ना वही रिपीट हो रहे हैं सब, तो उसमें कुछ ऐसा खास नहीं। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स में क्या करेंगे, वैल्यूज ही तो चेंज करेंगे है ना, वो भी ऐसा ही है, उसमें कोई मुश्किल नहीं। और जो आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हार्डली 4 नंबर का ऐसा उसका वेटेज, 3 या 4 नंबर का, ठीक है, उसमें भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह तो आ नहीं रही है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल वो भी नहीं आने वाला। तो जो भी बनेगा पेपर में टफ या आसान वो इसी में से बनेगा। मैंने शायद आपको बताया भी था कि इंटीग्रेशन वाला पोर्शन इस बार टफ आया था पेपर, उसी वजह से उसमें दो क्वेश्चन नहीं पूरा मतलब टाइम ले लिया था। तो चलिए आगे करते हैं। डिफरेंशिएट एग्जाम्पल 23, डिफरेंशिएट साइन कॉस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये दिया है हमें साइन फिर ब्रैकेट में कॉस और फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर। एक्चुअली शुरुआत हुई है इस वजह से, ये ब्रैकेट लगा लगा कर दिखा रहे हैं कि ये सारे फंक्शन अलग अलग हैं। साइन एक अलग फंक्शन है, फिर एक ब्रैकेट लगा दिया कि कॉस एक अलग फंक्शन है, फिर एक ब्रैकेट लगा दिया कि एक्स स्क्वायर एक अलग फंक्शन है। तो दो बार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहे हैं, ठीक है, दोनों बार अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डब्ल्यू आर टी का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू, शॉर्ट में ये लिख देते हैं WRT x। ये जो फंक्शन दे रखा है इसको y मान लीजिए, y इज इक्वल टू साइन कॉस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले साइन का डिफरेंशियल dy by dx लिखेंगे, तो साइन का डिफरेंशियल क्या हो गया कॉस, और कॉस के आगे ये पूरा सब कुछ लिख दो कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद अगला आ रहा है कॉस, अब कॉस का डिफरेंशियल तो देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर। फिर अगला फंक्शन आ रहा है एक्स स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई बाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, जब कॉस एक्स जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो कॉस का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस साइन, माइनस साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर जब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल होगा ये हो जाएगा टू एक्स, तो इसको शुरुआत में लिख दो टू एक्स इंटू माइनस साइन को लेकर शुरुआत में लिख दो माइनस टू एक्स कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, ये हो गया। इसके बाद देखिए एक्सरसाइज 5.2 में, नई वाली बुक में है भी नई बुक किसी के पास, नई वाली एनसीईआरटी, तो 5.2 पर आप आ जाइए। 5.2 में कितने क्वेश्चन है टोटल, 10 10 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 ये होगा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आप करेंगे, 2 भी करेंगे, 3 भी करेंगे, 4 भी करेंगे, 4 पहले साइन को करेंगे है ना, फिर टेन को करेंगे और रूट एक्स को क्या बोलोगे, एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2, तो क्या लगाओगे उसमें 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1। 1 2 3 4 चार क्वेश्चन छोड़ लो, पांचवा करवा लो, पांचवा देखिए। एक्सरसाइज 5.2 का
क्वेश्चन नंबर 5 है साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, ये देखो। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई फंक्शन का फंक्शन तो चाहिए है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना ऊपर साइन, तो साइन का फंक्शन दे रखा है ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अच्छा, और डिनोमिनेटर में कॉस दे रखा है, यानी कि एक पूरा बड़ा फंक्शन ऊपर एक पूरा बड़ा फंक्शन नीचे, दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं तो कौन सा रूल लगेगा, कोशेंट रूल। कोशेंट रूल में सबसे पहले क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो लिखने में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ये पूरा मिटा दूँ, हाँ cos cx plus d के होल स्क्वायर को क्या लिख देंगे, cos square cx plus d,
cos square से एक्सप्रेस दूँ, ये हो गया। अब cos cx plus d into cos ax plus b, cos cx plus d into cos ax plus b d by dx of ax plus b सीधा into a, a लिख दूँ भाई, b तो कांस्टेंट है अकेला लिखा हुआ है, इसका तो हो जाएगा जीरो, और a कांस्टेंट है उसके साथ वेरिएबल वाली टर्म x है, x का डिफरेंशियल 1, इसको मैं लिख देता हूँ a, ये हो गया a माइनस sin ax plus b। अच्छा एक काम करिए, माइनस इनटू माइनस 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 प्लस हो गया, प्लस sin ax plus b sin cx plus d और मल्टीप्लाइड बाय c, मल्टीप्लाइड बाय c और अपॉन में cos square cx plus d, cos square cx plus d, बताइए जी क्लियर है? एट तो एक बार को आप कर सकते हो, आप 1 2 3 4 करो बस, सिर्फ ये चार क्वेश्चन करने, सिर्फ ये चार क्वेश्चन करने, वो अचानक से लोड पड़ जाएगा, अभी रहने दो, पहले सिर्फ ये चार क्वेश्चन करिए, फिर आगे के क्वेश्चन जो है सिक्स और सेवन्थ मैं कराऊंगा, कोशिश कर लेना एट्थ हो जाएगा, बस एट्थ हो जाएगा। नाइन्थ और टेंथ ये डिफरेंशियबिलिटी वाले क्वेश्चन है, ठीक, ये मैं करूँगा आपको दोनों ही क्वेश्चन, एक जी आई एफ का, एक मॉडुलस का, ये दोनों नहीं होंगे आपसे, मैं कराऊँगा नाइन्थ और टेंथ, आपको सिर्फ चार क्वेश्चन करने हैं 1 2 3, ठीक है, बस इतना करिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखूंगा।